हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं एग डेविल। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एग हटा के वेजिटेबल कटलेट भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करना है। गरम तेल में चॉप किए हुए गाजर, बीट और हरा मिर्चा को डालकर अच्छे से हिलाएं। स्वाद अनुसार नमक दें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर दो हाथ भूज लें। अब हम हल्दी देंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए पटेटोस को डाल देंगे। हमने पहले हाफ डाला है ताकि हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो। अब हम बाकी बचे हुए मैश पटेटो को भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे थोड़ा मिठास के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाता है हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने उबले हुए अंडे को चार भाग में काट के पहले से ही रेडी रखा है। एक बोल में हम ब्रेड क्रम्स लेंगे और दूसरी बोल में हमें थोड़ा सा अरारोट और पानी का मिश्रण बनाना है। तो हमने हमारा पटेटो बॉल्स लिया, उसको फ्लैट किया, उसके बीच में अंडा को प्रेस करके अच्छे से एक शेप देना स्टार्ट किया। तो देखिए तैयार है। तो अब हम सारे एग डेविल को जल्दी से रेडी कर लेते हैं। तो अब ये ब्रेड क्रम्स में लपेटने के लिए रेडी हो चुका है। कटलेट को पहले अरारोट के पानी में डालें, फिर उसे ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से कोट कर लें। इस प्रोसेस को दो बार रिपीट करें, मतलब फर्स्ट कोटेड कटलेट को हम दोबारा से अरारोट के पानी में डाल के ब्रेड क्रम्स करेंगे। तो लीजिए, दो बार कोट किया हुआ हमारा एग डेविल रेडी है। अब हम इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। इसे धीरे धीरे तेल में डालना है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक इंतज़ार करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, हम इसे धीरे धीरे पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, है ना? इसे निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहे तो इसे सैलेड टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहो तो मेयोनीज या कासुंदी भी ले सकते हो। धनिया और पुदीने के चटनी के साथ भी ये बड़ा मज़ेदार लगता है। ये बाहर से जितना ही क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट एंड जूसी है। मुंह में रखते ही पिघल जाने वाले एग डेविल को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव।